किए हैं, तो अब यहाँ से हमको ये काम करना है कि मैडम के हाथ को मजबूत करना है। पूरी ये वार्ड नंबर 16 की पूरी आवाम और पूरे मेरे भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो मैडम के ही हाथ को मजबूत करें, ताकि दूसरे और आते रहते, पार्टी घर तक बुलाते रहते, जाते रहना पड़ता, सबको हाथ बोलना, लेकिन काम किसका करना, यही चेक जिंदाबाद है। अब जो खमर साहब थे, जब हमारे पास आते थे भी नहीं, उन्होंने जीत जाते थे। कैसा जीतते थे, लोग बगैर बोले के हाथ कूद डालते थे, बटन किसको डालते थे। आज वो खमर साहब की याद हमको आती है तो मैडम याद आते हैं हमको कि वाहिद खमर साहब के बाद अगर कोई है तो वो मोहतरमा कनीज फातिमा है बराबर। आप लोग हाथ उठा के बोलो है बराबर। क्या आप पूरे मुतमईन होकर बदन हाथ का एक नंबर पे रहे और मैडम भी एक नंबर ही छे, कितने नंबर है मैडम, एक नंबर, और हाथ का बटन भी एक नंबर पे छे। है नहीं है एक नंबर पे, तो हमारे मैडम कैसा एक नंबर नहीं रहते, ये जरा सोचने की बात है। दिमाग को थोड़ा लोग डॉइट करते हैं, कन्वेंट करते हैं, ठीक है बा तुम्हारे साथ पीछे बोल रहा, अरे हम तुम्हारे डालेंगे बोलना। सुबह जाना, 8 बजे आना, मोहल्ले में ठहरना, ऑटो का फुल इंतजाम किया गया है, आना तो ही कोई चाहे ऑटो आ रहा, जाना बटन दब बोल में दबा देना, हाथ कुछ दूसरे को नहीं दबाना। इतना बड़ा ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखी थी, मैडम बोलेंगे क्या तो ही भाई तुम्हारे एरिया से होटी नहीं पड़ा, बोलो बोलते ही नहीं बोलते। अगर मेरी इज्जत रखना है, पूरी माँ और बहनों को बोलना चाहता हूँ, एक नंबर पर ही दबाना बटन, दूसरा नंबर नहीं दबना। पूरी हमारी मस्जिद हबीब की कमेटी मैडम का साथ देने के लिए तैयार है। आप पूरी मस्जिद हबीब की कमेटी तैयार है, तो आप पूरे जगह तैयार है, तैयार है, हाथ उठा कर बोलना, पूरे हाथ उठाना, एक भी नहीं रुकना, पूरे हम तैयार है मैडम कनीज फातिमा को जिताने के लिए। कनीज फातिमा कमाल साहब, आज उनकी याद आती है तो इतना दबा के नारा आना, दिल्ली को जाना पूरा। रहकर एक औरत क्या कर सकती है, ये हिजाब में है ना, ये औरत की तरफ है, औरत की लीडरशिप पर, औरत की नुमाइंदगी पर सवाल करने वालों से है ना मैं पूछता हूँ कि ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पर सेंटर में भी है ना बीजेपी हुकूमत है, स्टेट में भी बीजेपी हुकूमत है, किस मर्द ने इतनी है ना अपनी ताकत बताई है कि वो मसाइल जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो लेकर चाहे असेंबली में हो, चाहे किसी है ना डीसी ऑफिस में हो, या कहीं भी है ना रिप्रेजेंट किया हो, मोहतरमा ने किया। इसलिए ये आपकी हमारी ये बहुत ही खुशकिस्मती है कि अलहाज डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब ने जो रिवायत मुसलमानों के कौम का मिल्लत के इत्तेहाद के जो रिवायत कायम की है, और जो रिवायत से आप और हम पूरे हिंदुस्तान में जाने पहचाने जाते हैं, गुलबर्गे का मिली इत्तेहाद जो खमरुल इस्लाम साहब ने कायम किया है, उसको फिर से है ना बरोए कार लाकर, उसको फिर से है ना आप इस्तेमाल करके मोहतरमा कनीज फातिमा को थम्पिंग मेजॉरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में आप कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं है ना इतना है ना कहते हुए आप लोगों का बहुत ही मशहूर ममनून हो, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा का मशहूर ममनून हो कि वो इतने है ना चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, ये आपके खातिर, ये है ना कांग्रेस पार्टी, ये कौम और मिल्लत की हिफाजत और उसकी तरक्की के लिए ये है ना फिर रही है। हम उन्हें पूरी पूरी है ना हिम्मत अफजाई करना चाहिए अपने वोटों से। वोट 10 मई 2023 सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का वक्त है, आप वोट डालना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि अलहाज खमरुल इस्लाम साहब ने कहा था वोट आपका हथियार है,
अपने है ना हुकूमतों को अच्छे लाने के लिए, जालिम हुक्मरानों को निकालने के लिए। शुक्रिया। गुलबर्गा के भविष्य के लिए, गुलबर्गा की एकता के लिए, गुलबर्गा के इतिहाद के लिए आपको वोट करना है, ऐसी क्या बात है जो इतने सालों से आप लोग कमरुल इस्लाम साहब और उसके बाद उनकी अहलिया को चुनते आए हैं? किसी को मूर्ख बनाया जाएगा तो एक साल, दो साल, पाँच साल, दस साल। आपको बार बार अगर उन्हीं को चुनने का मौका मिलता है तो कुछ तो बात होगी कि पांच भाई इकट्ठा नहीं रह पाते हैं, कुछ ना कुछ बात विवाद हो जाता है दो साल, पांच साल, दस साल में। मगर यहाँ को आपको एक माले में, एक सूत्र में पिछले 40 साल से बांध के रखने का काम कमरुल इस्लाम साहब और खनी फाटा साहब, तो कुछ तो बात होगी। आखिर कितना वोट है कनीज फातिमा साहब के पास? एक ही वोट है। अगर वो कहें कि मेरे पास 1,00,000 वोट है तो वो आपसे झूठ बोल रही हैं। उनके पास सिर्फ एक वोट है, मगर आपका एक वोट, आपके परिवार का एक वोट, आपके पड़ोस रिश्तेदार का एक वोट, मिलकर वो 1,00,000 होकर उनको विधानसभा पहुंचाएगा और माननीय कनीज फातिमा यहां से फिर से एक बार विधायक बनेगी। आपके बीच में अपने ही समाज से, अपने ही धर्म से तमाम लोग आएंगे, तमाम बातें करेंगे। अरे नहीं जीत रही हैं, औरत हैं, ये मसले हैं, वो मसले हैं, इन सब बहकाए में मत आइए। 2-5 हज़ार वोटों से चुनाव नहीं जीता जाएगा। गुलबर्गा नॉर्थ जीतने के लिए जो 1,00,000 का आंकड़ा पार करेगा वही चुनाव जीतेगा, और 1,00,000 का आंकड़ा पार कमरुल इस्लाम साहब का बनाई हुई इत्तेहाद करेगा, गुलबर्गा की एकता करेगी, आप लोगों का प्यार ही 1,00,000 का आंकड़ा पार करेगा, और वो कनीज फातिमा मोहतरमा होंगी। तो इसलिए मैं पिछले 2 महीनों से आपके बीच में हूँ और दिल से आपसे वादा करके बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा माहौल है आपके शहर का, और इसका सबसे बड़ा कारण है कमरुल इस्लाम साहब का बनाया हुआ इतिहास जिसको कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी है। एक वोट की अहमियत अभी आपके सामने शकील साहब ने बताया है, एक वोट की अहमियत क्या है? आपका एक एक वोट कीमती है। आप ये मत समझिए कि मैं एक वोट जिंदा ली तो क्या मिला दूसरे को दाम, हर एक वोट कीमती है आप लोगों का। आप लोगों को 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है और अपने कैंडिडेट को जिताने का, तो आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और सही इस्तेमाल कीजिए। जो आप लोगों ने लास्ट 2018 में मुझे वोट देकर मुझे जिताया था, और आप लोगों के जो भी कमरुल इस्लाम साहब जो कमरुल इस्लाम साहब के जो अधूरे काम थे मैंने वादा किया था आप लोगों से, और तकरीबन सब पूरा की हूँ मैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं आप लोगों के जो भी मसले हैं वो हल करूँगी। 2 साल कोविड में जाने से थोड़ा सा काम जो भी बचा हुआ है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग अगर वोट देकर मुझे फिर से भेजेंगे असेंबली को, तो मैं आप लोग के साथ हूँ हमेशा। आप लोग के जो भी मसले हैं मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए, जिस तरह आप लोगों ने 40 साल कमर इस्लाम साहब के साथ निभाया है उसी तरह मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए आप लोगों का। हम इसी तरह गुलबर्गा में मुतहद रहेंगे हमेशा, हमेशा के लिए मुतहद रहेंगे, और किसी को यहाँ पर आने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। बीजेपी को तो हम हरगिज़ नहीं आने देंगे यहाँ पर। और ये जो लोग मुझसे कहते हैं कि आप काम करके बताते क्यों नहीं, तो मेरा ये एक ही मकसद था, मैं आके काम करना आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जिता के लाया है। आप लोगों का काम करना मेरा फर्ज है, ना कि मैं काम करके सब ये काम करी। मेरा फर्ज है जो आप लोगों को से वादा की थी मैं वो करी हूँ। और जो ये लोग कहते हैं कि क्या करें, वो लोग कुछ नहीं कर सके, इसीलिए मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग। आप CA NRC में आप लोगों ने देखा, इसमें से आप कई लोग ऐसे लेडीज हमारे होंगे जो मेरे साथ जगत में बैठे थे, हमने सारा दिन आधी रात तक 2-3 बजे रात तक जो स्ट्राइक की थी सुबह से लेकर रात तक। आप लोग भी कई लोग होंगे इसमें से जो मेरे साथ बैठे थे वहाँ पर, और कई जगह पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और क्योंकि हमारा फर्ज है ये, हमारा अपने आप को बचाना है तो हम सब मिलकर काम करना है। कई जगह पर वो टाइम पे भी कांग्रेस पार्टी ने हमको
जब सीए एनआरसी का मामला आया था, जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हर तरफ जाकर स्पीचेस वगैरह किए हैं और तमाम कांग्रेस के लीडर्स हमारे साथ थे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, स्पेशली माइनॉरिटीज को सबको साथ लेकर चलती है, इसलिए हमको हमेशा कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और जो स्कीम्स आप